अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज सिराज और आप देख रहे हैं इन कनाडा विद सिराज एक और एपिसोड के साथ। और यकीन कीजिए कि यू विल लव दिस एपिसोड, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इमिग्रेशन की। एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पीएनपी के हवाले से भी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, तो जॉब ऑफर लीमा वगैरह इन फैक्ट इसके हवाले से भी बात नहीं है। ये तो नहीं कहूँगा कि ये कुछ नया है, ये कोई नया प्रोग्राम है, बट यस अपेरेंटली इसके हवाले से कम बातचीत हुई है। इस प्रोग्राम का नाम है AIPP, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कनाडा। इस प्रोग्राम में होता क्या है? बेसिकली ये एक पार्टनरशिप है कैनेडियन गवर्नमेंट की और अटलांटिक रीजन के जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान। ये पार्टनरशिप क्यों की गई है या इस प्रोग्राम में होता क्या है? बेसिकली इस प्रोग्राम में इमिग्रेशन और PR परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर की जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इन रीजन में रहना पड़ता है। पॉइंट सिस्टम नहीं है इसका, बिल्कुल भी ताल्लुक एक्सप्रेस एंट्री और PNP से नहीं है। AIPP में जो फर्दर डिटेल्स हैं आइए उनके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू, ओवरऑल IPP क्या है, इसकी टोटल कितनी फीस है, इसका टोटल प्रोसेस टाइम क्या है और कौन से लोग AIPP में अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि AIPP है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। कैनेडियन गवर्नमेंट और ये जो चार प्रोविंसेस हैं, और वो कौन से प्रोविंसेस हैं? न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी इमिग्रेंट्स आते हैं या ऑप्ट करते हैं, वो तमाम डेवलप्ड सिटीज़ को ऑप्ट करते हैं कनाडा की, लाइक टोरंटो। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग अक्सर टोरंटो ही जाते हैं, और हम जब यहाँ पर आए थे तो मैंने भी ये सुना था कि लोग तो टोरंटो ही आते हैं, तो टोरंटो, वैनकूवर, कैलगरी और एडमिंटन, इस तरह की सिटीज़ को, प्रॉपर डेवलप्ड सिटीज़ को ऑप्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो रिज़ल्ट है वो ये हुआ कि ये सिटीज़ में इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई, समहाउ जॉब्स कम हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली अच्छी है, पहले भी बेहतर थी, अभी भी बेहतर है और बेहतर हो रही है। बट ऑन दी अदर साइड क्या हुआ कि वो रीजन्स, वो प्रोविंसेस जहाँ पे इमिग्रेंट्स ने ऑप्ट नहीं किया, कुल आबादी भी कम रही, और ऑब्वियसली यू नो कि कनाडा की आबादी पहले भी कम है, तो जब न्यू इमिग्रेंट्स ने भी उनको अप्रोच नहीं किया, उनको ऑप्ट नहीं किया, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ उस तरह से ना हुई। अब इन्होंने ये जो AIPP प्रोग्राम शुरू किया है, इसके तहत बेसिकली आप लोगों को, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है उन प्रोविंसेस के अंदर कि हम आएँ, हमें PR दी जाती है या हम वहाँ पर रहें। इस तमाम प्रोसेस में एक चीज़ जो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें जॉब ऑफर के बगैर हम इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, हम प्रसू ही नहीं कर सकते। तो हमें डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू जॉब ऑफर का होना बहुत ज़रूरी है। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स कौन से एम्प्लॉयर्स होते हैं? जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ख़ास क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और वही आपको जॉब दे सकते हैं। हर एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकता। AIPP अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की कितनी फीस है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द गुड पार्ट इज़ कि इसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है। इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है $1,040 से। और इसमें कितना टाइम लगता है? द गुड पार्ट इज़ कि इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, 6 महीने से 1 साल के अंदर ये प्रोग्राम हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी फर्दर कितनी कैटेगरीज हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 1, अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम। 2, अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। 3, अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेट्स टॉक अबाउट अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम। आपके पास मैनेजमेंट का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या प्रोफेशनल कोई भी पोस्ट हो उस साल उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए यानी इंटरमीडिएट 12th ग्रेड होने चाहिए, 12 जमातें जिसे हम कहते हैं, और इनफैक्ट IELTS आपका जो है वो होना चाहिए। लेकिन द गुड पार्ट इज़ इसमें IELTS का स्कोर आपको बहुत लो चाहिए, लाइक रीडिंग में आपको 3.5 चाहिए, राइटिंग में 4 चाहिए, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप यहाँ पे लैंड करें तो आपको अपने इनिशियल सेटलमेंट के लिए, एक्सपेंसेस बियर करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं है,
वीडियो के एंड पे मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा कि आप अपने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने डॉलर्स चाहिए होंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है, बिलीव मी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। आइल्स के हवाले से आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हम इस वक्त एक प्रॉपर वीडियो प्रोसेस में है। आइल्स को कैसे जो है अटेम्प्ट करना होता है, वो कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपना आइल्स का स्कोर बेहतर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इन कनाडा विद सिराज और यस क्लिक द बेल आइकन सो दैट जैसे ही हम अपनी न्यू वीडियोज़ लॉन्च करें वो आप तक मिलें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे प्लान्स जो कि इस फॉल में यानी 2019 की सर्दियों में लॉन्च होंगे इमिग्रेशन के हवाले से एज पर द न्यूज़, सो उनकी भी इमिजिएटली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे प्रोसेस किया जाता है, वो सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन एडिशन टू दिस मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम स्पैन, जिनको अटेम्प्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, तो जब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो प्रोग्राम क्लोज हो चुका होता है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट कि आप किसी न किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च हो वैसे ही आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसके अंदर अप्लाई करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी, अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। ये कदरे आसान है, इसके अंदर आपको जस्ट जॉब आपके पास होनी चाहिए, एक ऐसी जॉब जो कि कोई भी हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट करने के बाद जो लोग जॉब्स करते हैं बस नॉर्मल जॉब होनी चाहिए आपके पास। ऑब्वियसली लैंग्वेज टेस्ट इसके अंदर भी मस्ट है और अगेन दोबारा रिपीट करूँ आइल्स का कोई ज़्यादा स्कोर इसके अंदर नहीं चाहिए। CLB 4 जो कि इक्वलेंट है रीडिंग 3.5, राइटिंग 4, लिस्टिंग 4.5 एंड स्पीकिंग 4। इसके अंदर भी वही रिक्वायरमेंट है कि आप जब यहाँ पर लैंड करें तो आप अपना और अपनी फैमिली का एक्सपेंस बियर कर सकें, आपको कुछ अमाउंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए जो कि ज़्यादा नहीं है, एंड पे हम उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। कट इट शॉर्ट, ये वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उस प्रोविंस में तालीम हासिल की ड्यूरिंग द डिग्री, जो दो साल लीस्ट लास्ट टू ईयर्स में वो 16 महीने वहाँ पर रहे भी, मतलब 16 महीने उन्होंने रेजिडेंस भी अख्तियार किया। उनका आइल्स का स्कोर भी अगेन उनको सेम स्कोर चाहिए और उनके पास भी पैसे होने चाहिए कि वो वहाँ पर रह सकें। इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर एक चीज़ जो कुछ चीज़ें जो मुश्तरक हैं जो बिल्कुल सेम हैं वो आइल्स का स्कोर है, इसके अलावा अमाउंट जो कि आपको चाहिए और जॉब ऑफ़र का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी जॉब ऑफ़र का जिक्र किया और दोबारा बताना चलूँ कि ये तमाम प्रोग्राम बेस करता है आपके जॉब ऑफ़र के ऊपर। जॉब ऑफ़र के हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था उसके बारे में हम इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक शेयर करेंगे, हम वो लिंक शेयर कर देंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं और उनको आप कांटेक्ट करेंगे और उनसे उनको रिज्यूमे भेजेंगे वाया ऑनलाइन थ्रू कॉल, उनसे इनफैक्ट आप डिस्कस करेंगे कि आप AIPP यानी अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत जॉब हासिल करना चाहते हैं और PR लेना चाहते हैं और वही आपको जॉब ऑफ़र देंगे और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो इनफैक्ट शुरू किया जाता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इस प्रोग्राम में एक बहुत और बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जॉब ऑफर और वो भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो बिजनेसमैन वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बकायदा तौर पे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में अपने आप को एज ए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड किया हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, वही इस प्रोग्राम में इस आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं। वंस यू गेट द जॉब ऑफर और तभी आप इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, इस प्रोसेस को चलाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं लीमा का जिक्र नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट टोटल सिस्टम है। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एक सेपरेट सिस्टम है, इसकी रिक्वायरमेंट सेपरेट है, इसका पॉइंट सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं जैसा कि हमने स्टार्ट में जिक्र किया था। इसके बाद आपको एक जो है सेटलमेंट प्लान तैयार करना होता है और वो सेटलमेंट प्लान सबमिट किया जाता है।
सेटलमेंट प्लान के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चलूँ कि वो क्या है. जस्ट यू शुड बी हैविंग अ प्लान कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस अपनी लाइफ को कैसे रिज्यूम करेंगे और यहाँ पर नई ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे. द गुड पार्ट इज दिस कि बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आपको यहाँ पर सेटलमेंट प्लान के हवाले से और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के हवाले से काफ़ी हेल्प आउट करती हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं चार्ज किए जाते. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस रिसर्च. आपको अच्छा सा रिसर्च करना है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे रब्ता करना है और उनसे अपना सेटलमेंट प्लान डिस्कस करना है. हर प्रोविंस का एक अपना क्राइटेरिया है तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा क्राइटेरिया मीन सेटलमेंट प्लान के हवाले से भी उसके हवाले से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है. ये रिसर्च आपको जिस प्रोविंस में आप अप्लाई करें वहाँ की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की प्रोविंस के हवाले से रिसर्च करना है. वो चीज़ आपको वहाँ पे उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करें ताकि आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें. सो गाइज, AIPP के हवाले से दैट्स ऑल और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी. इट्स वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री को परसू किया, PNP को परसू किया, IELTS पे उनका स्कोर जो था वो ज़्यादा नहीं आ सका और वो मायूसी का शिकार हुए. सो AIPP इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एट द सेम टाइम आई विल रिक्वेस्ट फॉर दोज जो कि खुद कर सकते हैं, गुड फॉर देम, बट आई विल पर्सनली रिकमेंड दैट ट्राई टू परसू, ट्राई टू कॉन्टैक्ट, ट्राई टू यू नो गेट हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट. किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपकी वो जो मिस्टेक्स, जो टेक्निकल मिस्टेक हैं जिनके चांसेस हैं वो ना हो सकें. एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को यू नो क्लिक कीजिए ताकि टाइमली आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं, सारी न्यू वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचें. बहुत सारे प्लान जिसका मैंने आपको कहा वो अभी सर्दियों में लॉन्च होंगे, स्पेशली रूरल एंड नॉर्थ इमिग्रेशन प्लान जो है वो लॉन्च होगा दिस फॉल 2019 की सर्दियों में. सो उसके हवाले से भी हम आपको टाइमली वीडियो जो है वो बनाएंगे, उसके ऊपर गाइड करेंगे. जब तक आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली नहीं मिलेगी. एनीवेज, टिल द टाइम, टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल. मी कॉल सिराज, बाय बाय. Subscribe to our channel and hit the bell icon. You can write us your questions and the confusions on in.canada@idealemarketing.net. You will find the link in the description. And thank you very much for watching the video. Stay connected, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. Take care. Me call Siraj. Bye-bye.